बहुत जायकेदार है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आना चाहिए नहीं यहाँ आए पिए, इसलिए कराची में दो चार जगह ऐसी हैं जहाँ पे जाना चाहिए इंसान को, और ये तो खैर नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी वो मिक्सिंग वगैरह नहीं है, कोई ऐसा वगैरह नहीं है इसमें। ये क्या है ये? अरे अंडे ही बटेर के। यार बटेर के अंडे देखिए भाई, मैंने भी पहली दफ़ा ही देखे हैं। तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है देखें आप लोगे तो उससे ये ले जाए तो ये मतलब अंडे तो बेकार होंगे ना यार, ये खराब होंगे ना अंडे? क्यों क्यों क्या निकलेंगे इसमें से बटेर? अब तो उबला अंडा है भाई। नहीं भाई ये नहीं डालना यार मेरे, अच्छा अच्छा मेरे वाले में मत डालना यार ये मैंने कहा पता नहीं यार बटेर से छीन का जो है इन्होंने अंडे ले लिए, क्या कहानी है इसकी छोटे छोटे से। अच्छा लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुफियान कराची लाइफ स्टाइल से। अच्छा जी आज मैं मौजूद हूं एक अब्बासी की तरफ, एक सूप वाले बैठता है अब्बासी। जब हम पापोश की तरफ जा रहे होंगे तो उल्टे हाथ पे फाटक की तरफ जो है एक सूप वाले हैं, बड़े मशहूर हैं, इनके पास जो है लोग आते हैं बड़े दूर दूर से आते हैं, और ये जो है बटेर के सूप के हवाले से ज़्यादा मशहूर हैं, फेमस हैं। तो देखते हैं इनके पास आज मैं आया हूँ ख़ास तौर पर, असल में सर्दियों का सीज़न है ना, तो ऐसी ऐसी जगहें मैं सर्च कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो ज़रा देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है, और बैठ के ट्राई भी करेंगे, सूप पियेंगे भी, लेकिन ज़रा यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है। तो चलें मेरे साथ वीडियो में जुड़ा रहेगा। ये देखिए सामने ये देखिए ये पूरा जो है इनका स्टॉल है, थोड़ा करीब से देख लेते हैं। ये स्टाफ इनका काम वाम कर रहा है, और ये देखिए स्पेशल बटेर की यखनी एंड चिकन कॉर्न सूप, दोनों सूप होते हैं इनके पास। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा इधर कैमरे में देख लीजिए, ठीक ठाक हैं भैया? मैं हर साल आपके पास आता हूँ, तो थोड़ा बताएंगे अपने बारे में कुछ, क्या है इसके अलावा, आप कहाँ होते हैं? हाँ कुल्ली करें, मसला नहीं है लोग ये देखिए जब तक ये अपने कुल्ली उल्ली कर ले, इनके मुंह में पान है शायद मेरा ख्याल है, तो तब तक मैं आपको यहाँ पे स्टॉल का थोड़ा विजिट करवा दूँ। खैरियत से हैं आप? क्या नाम है आपका माशाल्लाह? अकरम भाई। तो वैसे तो आप यहाँ पर होते ही हैं सर्दियों में, सर्दियों के अलावा कहाँ होते हैं, क्या करते हैं? यही लगाते हैं तो इस जगह पे, इसी जगह पे लगाते हैं आप? अच्छा अच्छा, लोग बड़े दूर दूर से आते हैं आपके पास, तो क्या बताना चाहेंगे अपने स्टॉल के बारे में, अपने जो सूप वगैरह क्या खास रेसिपी है? अच्छा इसको जरूर ट्राई करें, अच्छा इंशाल्लाह फायदा भी होगा मजा भी आएगा। अच्छा तो देखें जरा जी, ये है, ये तो यखनी वो है ना, कॉर्न सूप है ना ये? तो ये चिकन कॉर्न। अच्छा मैं यखनी का थोड़ा आपको विजिट करवाता हूँ, ये देखिए फुल एंजॉय कर रहे हैं लोग माशाल्लाह। ये देखिए इनके साथ होते हैं स्टॉल पे खड़े हुए, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, बस हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ पे, वहाँ मैं लास्ट वाले बेंच पे बैठा हूँ तो वहाँ जी हाँ टाइमिंग्स ज़रा मुझे बता दें, लोकेशन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, तो टाइमिंग्स ज़रा इनसे मालूम करते हैं जी। बताइए जी कब से कब तक होते हैं? या शाम 7 बजे से रात 3 बजे तक, शाम 7 से रात 3 बजे तक होते हैं, और सातों दिन छुट्टी कोई नहीं है जी, तो जिस वक्त चाहे आप लोग आ सकते हैं। कराची में थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, और आज तो है भी हफ्ते की रात, तो मेरी अगर वीडियो आप तक पहुंची है तो लाजमी मेरे कहने से एक दफ़ा आइएगा, बहुत ज़बरदस्त सूप है, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया अब तक तो मेरे कहने से एक दफ़ा यहाँ पे लाजमी आए। चलिए हम भी ट्राई करते हैं, तो साथ साथ आप लोगों के साथ रिव्यूज़ मैं देता रहूँगा। तो पहले यखनी में आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखाऊँ कि यखनी का क्या यहाँ पर व्यू है, यहाँ से क्या सिलसिला चल रहा है। ये जो है बर्तन वर्तन धुल रहे हैं, बड़े सफाई से यहाँ पे काम हो रहा है, और ये देखिए अंकल कैसे खा रहे हैं माशाल्लाह। हाँ बेटा कैसे हो? ठीक। क्या वो ज़्यादा सर्दी लग रही है क्या? अच्छा ये देखिए, अच्छा इसका बैकग्राउंड तो बहुत ज़्यादा कुछ ज़ाहिर है अच्छा नहीं है, क्योंकि जगह ऐसी है रेलवे फाटक था, यहाँ पे पहले रेल चलती थी, तो अब जो है इन्होंने पूरा एक एरिया बेहतरीन बना दिया सूख कर, लेकिन वो दूर तक टेबल्स ही टेबल्स लगी हुई हैं लाइन से,
और यहाँ पे जो बन रहा है सूप, ये थोड़ा इसका भी करीब से देख लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे बन रहा है भैया, एक जरा पीछे भिजवा दिएगा बटेर का वीआईपी सा, वो लास्ट में जो बैठे हुए ना हजरत उनके, ठीक है। अंडा बटेर यखनी, अंडा बटेर यखनी, हाँ बेहतरीन सी करके बनाना यार। हाँ अल्लाह खुशहाल लगा केले सीधर से हम चक्कर दर ऐसा हो गया उसमें मजा आ जाए, ठीक है। इसी पंडे अंडे ले यहाँ पे, इसमें इन्होंने भी सूप नहीं डाला, ये भाई के साथ ले जरा पहले यार पीछे भिजवा दो ताकि मुझे रिव्यूज देने हैं। ये क्या है ये? अरे अंडे ही बटेर के, ओ यार बटेर के अंडे देखे भाई, मैंने भी पहली दफा ही देखे हैं। तो क्या क्या चीजें देखा मैंने, देखे आप लोगे तो उस से ये ले जाए तो ये मतलब अंडे तो बेकार होंगे ना यार, ये खराब होंगे ना अंडे, क्यों क्या निकलेंगे इसमें से बटेर? अब तो उबला अंडा है नहीं नहीं भाई, ये नहीं डालना यार मेरे उस... ये वो अच्छा अच्छा मेरे वाले में मत डालना यार ये मैंने कहा पता नहीं यार बटेर से छीन का जो है इन्होंने अंडे ले लिए, क्या कहानी है इसकी छोटे छोटे से। अच्छा लेकिन मैं चले फिर कभी हाँ तो आप छीले जरा मैं फिर दिखाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, देखिए इनका यहाँ पे अंदर का सेटअप देखें माशाल्लाह, ये लोग बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़ा जो है रिस्पांस देते हैं, तो अच्छा भी लगता है सही तफसील से लोगों की वीडियो बनाना। तो ये है यहाँ का टोटल पूरा व्यू, अभी मैं अंदर उस तरफ जाऊँगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सूप, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये देखिए जी, चल बेटा फटाफट छील यार इसको। जी 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 है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, आना चाहिए नहीं यहाँ आए पिए, इसलिए भी कराची में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जाना चाहिए इंसान को, और ये तो खैर नेचुरल है, इसमें कोई ऐसी वो मिक्सिंग वगैरह नहीं है, कोई ऐसा वगैरह नहीं है इसमें। अच्छा फ्लेवर वगैरह तो नहीं डाला हुआ इन लोगों ने, बटेर का तो नापैद है, हर जगह मिलता भी नहीं, और इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा इन में, तो बहुत लोगों को फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। चले थैंक यू। अच्छा जी सूप वगैरह पी के फारिग हो चुका हूँ मैं, बहुत मज़ा आया, ज़बरदस्त था, अच्छा रहा एक्सपीरियंस, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही जो है ये ट्राई किया था, इससे पहले मैंने यखनी का पिया था, और इससे पहले जो बटेर पाड़े मैंने वीडियो बना के डाली थी यखनी की ही डाली थी, लेकिन यहाँ उनके पास खैर बटेर का भी था, लेकिन बटेर में यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं पर आया जाए, फर्स्ट टाइम यहीं पर ट्राई किया जाए, तो अच्छा रहा, मज़ा आया। कुछ कुछ मुझे तो वैसे ही टेस्ट लगा जिस तरह का चिकन का होता है यखनी का, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग समझते हैं कि घी खा रही होगी या पियेंगे तो अजीब सी स्मेल आएगी, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा था, बहरहाल टेस्ट है, तो मज़ा आया, ट्राई कीजिएगा आप लोग भी, और एड्रेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, थोड़ा तो लोकेशन मैं वैसे भी समझा देता हूँ कि जैसे अब्बासी हॉस्पिटल से हम पापोश की तरफ जा रहे होंगे तो उल्टे हाथ पर ही फाटक है, फाटक से ही जैसे ही आप देखेंगे फाटक का दरवाज़ा है बड़ा ब्लैक कलर का, तो वहीं पर आपको ये पूरा सूप का काउंटर नज़र आएगा, पूरा पीछे का बैकग्राउंड में टेबल्स वगैरह रखी हुई हैं सब नज़र आएगा। चलिए जी मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।